चलिए, बहुत लोगों ने बोला कि उस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी क्लियर, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करने जा रही हूँ। वाकया ये है कि डॉक्टर आरती लाल चंदानी कानपुर से हैं, जिन्होंने कि आज एक स्टेटमेंट दिया है जिसका कि लिंक मैंने शेयर भी किया है, आप लोग इस लिंक पर जाएँ और उसको क्लिक करें। डॉक्टर आरती लाल चंदानी का कहना है कि हमारे पास तो एक ही कोविड पॉजिटिव पेशेंट था और अब ये मुस्लिम्स आ गए हैं इतने सारे, ये जितने भी मुस्लिम्स आए हैं ना, ये सारे को ना इंजेक्शन लगा दो, धीरे धीरे करके एक एक करके इंजेक्शन लगा दो ताकि ये जो है सीधा वहाँ पहुँच जाए। इनके ऊपर कुछ भी खर्च करने का फ़ायदा नहीं है, ये हमारे लिए एक वेस्टेज है और ये मुस्लिम्स नहीं है, ये टेररिस्ट है, मुस्लिम्स टेररिस्ट होते हैं, ऐसा डॉक्टर का कहना है, डॉक्टर आरती लाल चंदानी का। मुझे शर्म आती है ये सोच के कि वो डॉक्टर है और अब डॉक्टर्स जो हैं वो रिलीजन देख करके तय करेंगे कि हम किसे ट्रीट करें और किसे ट्रीट ना करें। ये कहाँ हमारा देश जा रहा है? मेरा सवाल सीधा प्रधानमंत्री जी से है, सर आप कहाँ हमारे देश को लेके जा रहे हैं? 2014 से लेकर के 2000 आज 20 हो गया, हमारा देश आज इस प्रकार इस तरह से सांप्रदायिकता इसे सांप्रदायिकता नो इस तरह से आपने कर दिया है, सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए सर, किस तरीके की चीज़ें फैला रहे हैं ये लोग, और ये आप ही कर सकते हैं और आप ही के, अगर आप हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन स्वरूप प्रधानमंत्री आप हैं हमारे, तो ये डॉक्टर्स को क्या होता जा रहा है? अब वो क्या रिलीजन बेस्ड ट्रीटमेंट भी करेंगे? ये किस तरह का किस तरफ हम अपने हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं? बड़ी शर्मनाक बात है ये। वो डॉक्टर उसने इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये एक पेशेंट है, इसको इंजेक्शन लगा दो, हमारा वैसे भी सारा वेस्टेज है इसके ऊपर, इसको खाना खिलाना वेस्टेज है, इसको ऊपर ले जाना आइसोलेटेड रखना हमारा वेस्टेज है, हमारे पैसे की बर्बादी है, ये तो होते ही टेररिस्ट है, मुस्लिम्स तो होते ही टेररिस्ट है। ऐसा ही एक और वाक्य आया था राजस्थान का, जिसमें कि वो उसने भी ट्रीटमेंट से इनकार किया था क्योंकि उसको लग रहा था कि ये मुस्लिम है, मैं मुस्लिम को ट्रीट नहीं करूँगी। ये बहुत ही गंदी बात होती जा रही है। मैं फिर से आपको यही बोलना चाहूँगी कि डीएम कानपुर, जो कानपुर के जो डीएम हैं और कानपुर के प्रशासन, जरा इस चीज़ को संज्ञान में लें और देखें कि इस तरह की घटना वहाँ पर ना हो, क्योंकि राम रहीम, क्या मैं फिर से वही बात बोलना चाहूँगी, कौन कहता है कि राम रहीम में दोस्ती नहीं थी? कौन है वो परिंदा? क्या पता राम रहीम जिगरी दोस्त रहे होंगे, तू था क्या तब जिंदा? यही जवाब मैं डॉक्टर आरती लाल चंदानी को बोलना चाहती हूँ और नागपुर के सॉरी कानपुर के डीएम से मेरा ये आग्रह है कि आप देखें कि इस तरीके से मनमानी ना हो, और मुस्लिम्स को टेररिस्ट बोलना सरासर गलत है। किसी एक इंसान के लिए आप सारी कौम को बदनाम नहीं कर सकते, और हमारे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बात को संज्ञान में ले।